जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम जी वनवास से 14 वर्ष के बाद आए थे, तो इसी राम दरबार में प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। स्वागत है आपका अयोध्या में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू आइडियल्स। तो हम राम भक्त आ गए अपने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। कई सालों के तपस्या, मेहनत और बलिदान के बाद हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर का निर्माण होने वाला है, जो 22 जनवरी का जिसका ओपनिंग होने वाला है अयोध्या में। अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन तो आप करेंगे ही, लेकिन राम मंदिर को छोड़ करके और जो अन्य बहुत अच्छा सुंदर सुंदर स्थान है घूमने लायक, वो क्या क्या है, वही हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आप लोगों को, आप अगर अयोध्या आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अयोध्या घूमने के लिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ वीडियो शेयर करना, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंचे, सबके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कमेंट में जरूर बोल दें जय श्री राम, जय श्री राम। तो कहते हैं कि राम मंदिर दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करना जरूरी है, तो सुबह सुबह हम निकल चुके हैं हनुमान गढ़ी का दर्शन करने के लिए। चलिए हमारे साथ, आपको भी दर्शन करवाते हैं हनुमान जी का। ये हनुमानगढ़ी मंदिर है। कहा ये जाता है, यहाँ का मान्यता ये है कि जब श्री राम जी हमारे अयोध्या छोड़ के जा रहे थे तो सारा अयोध्या का राजपाट हनुमान जी को देके चले गए थे। तब से लेकर आज तक हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। एक्चुअली हनुमान जी अंजनी माता के गोद में विराजमान है और यहाँ पे टोटल 84 सीढ़ी है जो आपको चढ़ के जाना पड़ता है और ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। आपको श्री राम जी का दर्शन करना होगा तो पहले यहाँ हनुमान जी से आज्ञा लेना होगा, उसके बाद ही आप आगे जाके दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए ये हनुमान मंदिर 10वीं सदी का बनाया हुआ है। मंदिर के अंदर बहुत सारा सुंदर सुंदर कलाकृति बनाया हुआ है, जिसके वजह से मंदिर बहुत मनमोहक लगता है देखने में। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ पे एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और राम कोट की रक्षा करते थे, इसीलिए इसको हनुमानगढ़ या हनुमान कोट भी कहते हैं। ये हनुमान जी को राजपाट संभालने के लिए दिया गया था, साथ ही साथ माना जाता है कि ये हनुमान जी का निवास स्थल भी था। तो आप अगर हनुमान गढ़ी आए हैं तो हनुमान गढ़ी के छत पे जरूर आ जाएं। यहाँ से बहुत ही सुंदर अयोध्या नगरी का पूरा व्यू दिखता है, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से कुछ अच्छा पिक्स भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो वो मनमोहक पावन जगह है, तो आपको ऊपर आना भी बनता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन को शांति मिल रहा है, जिसलिए हम अयोध्या आए थे वो सफल हुआ आज। तो ये मंदिर ऊपर आप देख सकते हैं, ये मंदिर साल में 2 बार खुलती है, एक है राम का जन्म के टाइम पे और एक है विवाह के टाइम पे, मतलब अप्रैल में और दिसंबर में खुलती है। पीछे आप मंदिर दे रहे हैं, इसका निर्माण राजा ददुआ ने किया था और इसके टॉप पे सवा मन का सोना का कलश लगा हुआ है। देख सकते हैं हर एक दुकान एक ही रंग में, एक ही ढाल में बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। जैसे कि आप लोगों को हमने दिखाया है हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद हम अभी जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि है राम जन्मभूमि, जो कि भव्य मंदिर बन रहा है और पूरा बन ही चुका है।
तो यही कॉरिडोर बन रहा है जो राम जन्मभूमि तरफ जाएगा। बहुत बड़ा है ये कॉरिडोर और बहुत चौड़ा है, श्रद्धालु के लिए बहुत इजी होगा जाना यहाँ पे, रास्ते में जाना आना करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और बाकी हम तो इधर से आए हैं अभी, लेकिन जब 22 तारीख को राम जन्मभूमि खुल जाएगा तब सबको इधर से ही जाना आना करेगा कॉरिडोर से। तो बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शिल्पकला किया जा रहा है यहाँ पे। ये जो राम मंदिर है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट टेम्पल होने वाला है। तो बोलिए हमारे साथ जय श्री राम। और चलिए राम मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपको अंदर जाना होगा, तो हालांकि हम अपने कैमरा फोन और कुछ भी लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक ही आप लास्ट लेके आ सकते हैं, बाकी आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद आपको अंदर जाना होगा। मंदिर में गर्भगृह का निर्माण हो चुका है लेकिन बाकी कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। 22 तारीख को ओपनिंग होने वाला है लेकिन उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन चलते रहेगा। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जैसे ही आप रामलला के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो पहले आपको मिल जाएगा दशरथ भवन, आप वहां जाकर अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो आइए चलिए साथ में चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको दशरथ भवन। दशरथ महल अयोध्या के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। माना जाता है कि ये महल को बिल्कुल उसी जगह में बनाया गया है जिस जगह में राजा दशरथ का असली निवास स्थल हुआ करता था। इस भवन के मंदिर में श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति लगाई हुई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद बड़ा एवं रंगीन है। हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म भी यहाँ पे ही हुआ था। इसका प्रसाद है पूछ लूँ तो कनक भवन के रास्ते में यहाँ पे एक श्री करुणा निधन ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे हर दिन भंडारा चलाया जाता है, तो आज हम लोग भी थोड़ा सा खा के देख लेते हैं इनका भंडारा, बहुत स्वाद है खाना। तो हनुमानगढ़ी इस तरफ है, इस तरफ से आप जब जन्मभूमि तरफ जाएंगे, राम जन्मभूमि तरफ जाएंगे तो दाहिने तरफ आपको पड़ेगा कनक भवन। अभी हम जा रहे हैं कनक भवन, तो चलिए चलते हैं। तो हमारे पीछे है ये कनक भवन। तो बोला जाता है ये पूरा भवन पहले सोने का था और ये माता सीता को ककई माँ ने मुंह दिखाई में दिया था। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी आंखों से कनक भवन। कनक भवन एक काफी प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या में। 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वर्तमान मंदिर को 1851 में ओरछा की रानी ने बनवाया था। कनक भवन के गर्भगृह में ओरछा की रानी द्वारा मां सीता और श्री राम का मूर्ति का स्थापित किया गया है।
दरबार है। यहाँ पे राम जी ने 11,000 वर्ष अपना राजपाट किया था और अंदर सीता जी का रसोई घर भी है। हम लोग वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड। तो वहाँ पे जो अंदर में राम जी का मूर्ति है, विक्रमादित्य को सरयू नदी में स्नान करते समय मिला था, तो मूर्ति को अंदर स्थापित किया गया। तो अभी हम लोग हैं जैन मंदिर के अंदर, तो दिगंबर जैन मंदिर है ये। मंदिर बहुत पुराना है, पहले से ही स्थापित किया हुआ है, बट अभी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और इसे भव्य तरीके से बहुत बड़े आकार में बनाया जा रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं पुराने मंदिर, जो पहले जहाँ से मूर्ति स्थापित है, जहाँ हमारे दिगंबर जैन प्रभु जी बैठे हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं दिगंबर जैन मंदिर के पुराने मंदिर में, जो मंदिर पहले से यहाँ पे था, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन आपको तो दिखा ही चुके हैं। ये मंदिर पहले से यहाँ पे स्थापित था। यहाँ पे श्री 108 ऋषभ भगवान देव का मंदिर है, जो माना जाता है विश्व शांति के पहले अवतार थे। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और उनका दर्शन करते हैं। राम मंदिर से लौटते समय हमको ये मंदिर दिखा था, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया हुआ है। इस मंदिर का वास्तुकला काफी आकर्षक था। इस मंदिर में श्रद्धालु का रहने का भी व्यवस्था किया हुआ है। भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पे सारे वर्ण के लोग आए हुए हैं। श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। भक्त लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आ रहे हैं सिर्फ रामलला के एक दर्शन पाने के लिए। अगर आप फैजाबाद से आ रहे हैं तो आपको रास्ते में मिलेगा ये धर्मपथ। धर्मपथ करके जब आप इधर आएंगे तो आगे आपको मिलेगा नया घाट और राम की पौड़ी। उसके साइड से आप अगर निकलते हैं तो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर में आपका हनुमान गिरी और राम मंदिर सब इधर ही मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी घाट की तरफ। तो इस जगह का नाम है लता मंगेशकर चौक, क्योंकि यहाँ पे एक वीणा रखा गया है तो उन्हीं के नाम पे ये जगह का नाम रखा गया है। बहुत ही सुंदर है ये जगह। पौड़ी है। हाँ, तो यहाँ से आप आगे
सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया टीवी का एक प्रोग्राम भी चल रहा है। ये नया घाट है, यहाँ पे भी आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपया सवारी लेता है और सब घाट घुमा देगा आपको। आइए चलिए धर्मपद का रात का दृश्य आप लोग को दिखाते हैं, कितना पावक और मनमोहन है। अयोध्या का धार्मिक जगहों का दर्शन यहाँ पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।